जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चीन अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए चुरा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के पायलट्स। भारत और ताइवान ने कंडक्ट किए मिलिट्री सिमुलेशंस। इंडियन मिलिट्री को मिले भारत के स्वदेशी एक्सोस्केलेटन सिस्टम्स। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यूरो फाइटर टाइफून से भरी उड़ान। और अब भारत भी तिब्बत की जगहों के नाम बदलने की बना रहा है योजना। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च के एक डेलीगेशन ने पिछले महीने भारत के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सर्विसेज थिंक टैंक यूएसआई को विजिट किया था और इस दौरान दोनों देशों के थिंक टैंक्स ने मिलिट्री सिमुलेशंस को भी कंडक्ट किया था। और इन मिलिट्री सिमुलेशंस के दौरान 2035 में ताइवान स्ट्रेट और भारत चीन सीमा के सिनेरियोज को फोकस किया गया। और ऐसे पहली बार है जब इस तरह के मिलिट्री सिमुलेशंस भारत की तरफ से होस्ट किए गए थे, जिसमें यूएस और ताइवान की नेशनल डिफेंस एकेडमी के कई अलग अलग स्कॉलर्स भी शामिल थे। हालांकि इन मिलिट्री सिमुलेशंस का आउटकम क्या निकला है तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तय है कि इस तरह के सिमुलेशंस के माध्यम से भारत और ताइवान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में फाइव आइज पार्टनर्स, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं, तो इन्होंने मिलकर एक बुलेटिन को रिलीज किया था। और इस बुलेटिन के मुताबिक जो चीन के रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस हैं वो एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। और इस बुलेटिन में भी बताया गया कि कैसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज के फॉर्मर फाइटर पायलट्स को रिक्रूट कर रही है। और ये रिक्रूटमेंट की जा रही है साउथ अफ्रीका और चीन में प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज के फॉर्मर पायलट्स का इस्तेमाल वे कर सकें चाइनीज एयरफोर्स और चाइनीज नेवी के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। और जैसे कि अपनी पहले की वीडियोज़ में हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि चीन के पास भले ही एयरक्राफ्ट की अच्छी खासी संख्या होगी, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की चीन के पास भारी कमी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से वेस्टर्न मिलिट्री के टैलेंट को रिक्रूट कर रही है अपने एविएटर्स को ट्रेन करने के लिए। और चीन की यही रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेस्टर्न कंट्रीज के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एनएसए अजय डोवाल के अपॉइंटमेंट के टर्म्स के अनुसार उनका जो कार्यकाल है वो 5 जून को समाप्त होना था, लेकिन इस बात की संभावना जताई गई है कि एनएसए अजय डोवाल को नई सरकार द्वारा पद पर बने रहने के लिए मनाए जाने की संभावना है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि हमारे एनएसए अजय डोवाल सर आगे भी भारत के लिए सर्विस देते रहेंगे। हालांकि ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से जरूर बताया गया है कि वे एनएसए के पद पर बने रहने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए मनाया जा रहा था। बाकी जहां तक हमें लगता है कि आप में से भी अधिकतर लोग यही चाहते होंगे कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजय डोवाल आगे भी बने रहें। बाकी भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर आप आगे किन्हें देखते हैं तो उस पर भी अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। बाकी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी ही भारत को लीड करेंगे और कल उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 7 नेबरिंग नेशंस के लीडर्स भी शामिल होंगे। और इन देशों में बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, मॉरिशियस, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स शामिल हैं। राजस्थान बेस्ड भारत की एक प्राइवेट फर्म जिसका नाम है न्यूनरा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुख्य रूप से जानी जाती है अपने एक्सोस्केलेटन सिस्टम्स को विकसित करने के लिए, तो इस कंपनी ने अपने 2 तरह के एक्सोस्केलेटन सिस्टम्स इंडियन मिलिट्री को डिलीवर किए हैं, जिसमें से एक का नाम है जयपुर बेल्ट और दूसरे का नाम है आर्म मैक्स। और ये निदामी इंडियन एयरफोर्स और भारत की नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ को डिलीवर किए गए, जो कि सोल्जर्स की प्रोडक्टिविटी और एंड्योरेंस को बढ़ाने के साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के रिस्क को कम करने में भी मदद करेगी। इसमें से जो जयपुर बेल्ट नाम का एक्सोस्केलेटन सिस्टम है तो ये सोल्जर की बैक और स्पाइन को सपोर्ट देता है, वहीं जो आर्म मैक्स नाम का एक्सोस्केलेटन है तो वो बैक, स्पाइन और आर्म्स को सपोर्ट देता है। और ये सोल्जर्स की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी को 5 से 35 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये सिस्टम्स एम्यूनेशन लोडिंग, अनलोडिंग या फिर लंबी दूरी पर वेट को कैरी करना, तो इस तरह के टास्क में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और इनकी खास बात यह भी है कि ये सेल्फ पावर्ड है, यानी कि इन्हें किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बाकी भारत के अलग अलग एक्सोस्केलेटन परियोजनाओं के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने हमारे कारगिल स्पेशल कलेक्शन के प्रति इतना बेहतरीन रिस्पांस दिखाया है। और इसी बात पर आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, आप ऐसे कई सारे लोगों की स्पेशल डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने squadin.in पर एक नई एसेसरीज को ऐड किया है जो कि है मिलिट्री इंस्पायर्ड मग्स। और इस नए लॉन्च पर फर्स्ट 100 बायर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें आप SQD100 कूपन कोड का इस्तेमाल करके एडिशनल 100 रुपीज़ का डिस्काउंट और प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कल 7 जून को अपने जर्मनी के विजिट के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने जर्मन एयरबेस से यूरो फाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट से शॉटिंग कंडक्ट करी थी। बाकी इस वर्ष जो इंडियन एयरफोर्स पहली बार मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को आयोजित करेगी, तो इस एक्सरसाइज में जर्मन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। और बाकी इंडियन एयरफोर्स का जो MMRCA वाला प्रोग्राम है, तो उसके लिए कॉम्पीट करने वाले फाइटर जेट्स में यूरो फाइटर टाइफून भी आता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया और नेवल एयर स्टेशन INS राजली में पासिंग आउट परेड कंडक्ट की गई है। इसमें से जो IMA में पासिंग आउट परेड कंडक्ट की गई थी उसमें टोटल 394 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें से 39 कैडेट्स फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से हैं। इसी तरह से OTA गया में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड में टोटल 118 कैडेट्स पास आउट हुए, और जबकि नेवल एयर स्टेशन INS राजली में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड जो कि कल 7 जून को कंडक्ट की गई थी, तो इस परेड से टोटल 21 नेवल पायलट्स पास आउट हुए, और जबकि इनमें से सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव पहली वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। मणिपुर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में निरामी ने मणिपुर में बिष्णुपुर और इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को रिकवर किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द डिप्लोमेट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि जिस तरह से चीन भारत के क्षेत्रों के नाम बदलने वाली एक्टिविटीज कंडक्ट करते रहता है, तो उसके रिस्पांस में भारत भी तिब्बत की कुछ साइट्स को रीनेम करने की योजना बना रही है। यानी कि चीन की एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए अब भारत भी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी को अपनाएगा। और द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की भी योजना है तिब्बत के 2 दर्जन से अधिक जगहों के नाम बदलने की, और तिब्बत की वो जगहें कौन कौन सी हैं तो इसके रिगार्डिंग लिस्ट भारत सरकार अगले सप्ताह तक जारी कर सकती है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि तिब्बत की जगहों को रीनेम करने वाले आइडिया के पीछे इंडियन आर्मी की इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डिवीजन मुख्य रूप से शामिल है। बाकी द डिप्लोमेट की इस रिपोर्ट पर फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, अगर भारत सरकार सच में ऐसी कोई योजना बना रही है तो हम तो यही कहेंगे कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ ही हैं। और वैसे इस तरह की चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2009 में माउंट त्रिशूल के एक्सपेडिशन के दौरान इंडियन आर्मी के हवलदार धनराज राय, नायक चंद्र बहादुर लावती और नायक नीमा वांगडी शेरपा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर जे जोसेफ वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1971 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक उमर सिंह गुरुंग वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि IMA का मोटो क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।